नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीरा भाईंदर होसे विराट पुलिस आयुक्तालय की पुलिस ने आज जिस कारनामे को उजागर किया है वो सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, आप मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये कारनामा सही है और हुआ है। दरअसल मीरा भाईंदर होसे विरार आयुक्तालय के हद में पिछले दिनों दर्ज हुई एक ट्रक की चोरी की वारदात का खुलासा जो हुआ, वह खुलासा एक ट्रक तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक के बाद एक 48 ट्रक और 5 दूसरे वाहन, ऐसे 53 वाहनों तक पहुंच गया। अब कल्पना कीजिए, जब हमारे आसपास कोई एक छोटी मोटी चोरी होती है, एक अलग ही तरह का माहौल होता है। लेकिन ये जो चोर, शातिर चोर, अंतरराज्यीय गिरोह जो ये वारदात अंजाम देते थे, इन चोर को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल मामला शुरू होता है हाल ही में मीरा भाईंदर क्षेत्र से एक आयसर कंपनी के टेम्पो चोरी होने पर। आयसर कंपनी का टेम्पो चोरी होता है, टेम्पो के मालिक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। उस शिकायत पर मीरा भाईंदर होसे विरार आयुक्तालय की क्राइम यूनिट 1 के अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं, तकनीकी जानकारी जुटाते हैं और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो जो टेम्पो चोरी हुआ वो कहां कहां गया उसकी जानकारी जुटाते हैं। जब वो मामले की तह में पहुंचते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि दो आरोपी जो कि राजस्थान के निवासी है, जिनका नाम फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान, ऐसे ये दो आरोपी द्वारा वो ट्रक चोरी किए जाने की बात पुलिस को सामने आती है। बाद में पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर, राजस्थान पुलिस की मदद से इन आरोपियों को पकड़कर, इनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तब इन आरोपियों द्वारा किए जाने वाले खुलासे से खुद उन अधिकारियों को यकीन नहीं होता है। इन आरोपियों ने तब खुलासा करते हुए बताया कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 से 5 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, इस तरह से 4-5 राज्यों में अपने 12 सहयोगियों के साथ मिलकर, इस लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का नाम भी है, अपने 12 और सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे 48 आयसर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड टेम्पो, 2 क्रेस्टा एस, ऐसे कुल 53 वाहन चोरी किए, जिनकी कीमत करीब 4,40,00,000 से अधिक की बताई गई है। ये आरोपी इन चोरी के सामान के साथ, चोरी के इन वाहनों का मॉडिफाई कर देते, इनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदल दिया कर देते और इस तरह से अपनी वारदात करके ये हमेशा कानून की नजर से बच के रहते थे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ काफी लंबे हैं, तो ऐसे ही बेहतरीन कामगिरी अभी मीरा भाईंदर होसे विरार आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम यूनिट 1 ने की है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े मामले का खुलासा जब किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो आयुक्त है उनकी भूमिका भी काफी महत्व की होती है, अहम होती है। तो इस पूरे मामले को उजागर करने में मीरा भाईंदर होसे विरार आयुक्तालय क्राइम यूनिट 1 को अपने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, इन सभी का मार्गदर्शन मिला और इन सभी के मार्गदर्शन में क्राइम यूनिट 1 ने ये इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हुए बहुत बड़े मामले का खुलासा किया। इस मामले की जानकारी देने मीरा भाईंदर होसे विरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने खुद
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। सुनिए आप आगे वीडियो में मधुकर पांडे का क्या कुछ कहना है और पूरे उनकी जुबान से सुनिए इस मामले का पूरा खुलासा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दिनांक 23 दिसंबर 2022 को एक हमारे काशीमीरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फिरियादी है, उनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसको हम चले गए थे। 25 तारीख को जब ये वापस आए तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे में उन लोगों ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो तक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया। इसका एक डायरेक्शन था CCTV फुटेज एनालिसिस और उसमें एक CCTV फुटेज में हमको दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या उस रास्ते शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी, जब उन्होंने ये 23 तारीख को 23 दिसंबर को गाड़ी वहाँ पर खुली जगह पे लगा के चले गए। 25 तारीख को जब वापस आया तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उन्होंने भी देखा है। इसमें आयशर गाड़ी पर ही इनका ज्यादा फोकस था और ऐसा क्यों था ये अपने को उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें ये जो दो आरोपी पकड़े गए अभी मास्टरमाइंड पकड़ने बाकी है, इसमें 8-9 ऐसे 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे होकर करवा लें। नंबर है गुजरात नेम प्लेट के, तो क्या ये माना जाए कि अधिकतर ट्रक गुजरात की तरफ से आज चोरी की गई, क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये चोरी करने वाले सारे लोग जो है वो राजस्थान के हैं और इसमें जो चोरी हुई है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार महाराष्ट्र के हैं, जब उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के दो हैं और दिल्ली के साथ। सर, इनके पास वो डेटा कहाँ से मिला करता था, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई आरटीओ के शामिल होने की बात अब तक समझ में आ रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा की बात जहाँ तक है तो ये तो सड़क पे जो बेवारिश गाड़ी है जहाँ दिख गई वही चुरा लेते थे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786